मैसेज मिला है आप लोगों को? प्लीज टेल मी। हाँ दादा। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा तो फिर बेसिकली हम लोग आज क्या पढ़ना है सर? फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास है और फ्यूचर ट्रेडिंग सीख रहे हैं हम लोग, है ना? डिटेल्स में जिसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, जो लोग NISM का भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जिसको हम लोग NISM इक्विटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो NISM इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं सर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे, और उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे। इससे पहले हम लोग फॉरवर्ड्स ये सब बेसिक मैटर्स देख के आ गए, और अभी हम लोग पूरा फ्यूचर में गोताखोर कर दिए। गोताखोर समझते हो ना, डुबकी लगा दी, ठीक है? अब पूरा फ्यूचर के अंदर एक एक करके हर एक चीज़ सीख रहे हैं। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने मार्जिन कॉन्सेप्ट, मतलब मार्जिन क्यों लगता है फ्यूचर ट्रेडिंग पे, है ना? आप लोगों को मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ कि मार्जिन मार्जिन बोल के दिमाग खराब करता हूँ आप लोगों का। यस सर, है ना? तो वही फ्यूचर मार्केट में जो मार्जिन लगता है, और फिर मार्जिन के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि मार्जिन कैलकुलेटर, है ना, मार्जिन कैलकुलेट करना वो भी सिखाना है आप लोगों को। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर आपको फटाफट सब कुछ दिखा देता है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है इसका नॉलेज होना चाहिए ना। और फिर उसी के चलते मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी सिखाया, इसका कॉन्सेप्ट है सर मार्क टू मार्केट, है ना, एम टू एम, ठीक है? तो आज मैं उसी एम टू एम से ही आप लोगों को कंटिन्यूएशन करूँगा। मतलब एम टू एम क्या है ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया, लेकिन मार्क टू मार्क के अंदर, जैसे आपने मार्क टू मार्केट मतलब डेली प्रॉफिट को आपने देखा कि कैसे फ्यूचर मार्केट में डेली प्रॉफिट, डेली का प्रॉफिट, ठीक है, एक आध का प्रॉफिट नहीं, डेली प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करके सेटल किया जाता, उसी एंगल से आज का डिस्कशन रहेगा, जिसमें मार्जिन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बात कहा था। मार्जिन जैसे आप निफ्टी में अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड लेते हो, फ्यूचर ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आप किसी भी निफ्टी में ले सकते हो। जैसे हम लोग एग्जांपल में TCS के बारे में बात कर रहे थे, आप TCS फ्यूचर में ले सकते हो, है ना, या ITC, जो भी आपको मर्जी सर। मार्केट में 7-8 हज़ार कंपनी हैं BSE NSE मिला के, मोटा मोटी सभी का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आपको दिखेगा। कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड लेते हो तो उस पर आपको मार्जिन भी जमा करना होता है, और मार्जिन में दो तरह का मार्जिन होता है। आई होप कि आप लोगों को याद आ रहा है जो मैंने लास्ट वीक बताया भी था कि मार्जिन दो तरह का होता है। हाँ सर, ये सुन लो, कितना तरह का मार्जिन होता है आप ही बताओ। स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन, थैंक यू सुमित। अब ये स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता है इसका भी एक आइडिया हो जाना चाहिए, है ना? तो वही मैं बताऊंगा, एक्सपोजर मार्जिन और स्पैन मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और साथ में मैं आपको और एक चीज़ भी बताऊंगा, ये एक्सपोजर और पैन को यूज़ करके, ठीक है, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन को यूज़ करके आगे जाके आपका ट्रेड कैलकुलेटर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से वो काम करता है, उसमें अलग अलग, बोलो सर। बोल जी, একটা খালি একটু ডিফারেন্স আমাদের ক্লিয়ার করে দাও, স্প্যান মার্জিন আর এক্সপোজার মার্জিন দুটো কাজ কিভাবে করে আর দুটো ডিফারেন্সটা কি কি আছে, ওইটাই তো বলবো, ওই তো কেনা, ঠিক আছে? স্প্যান স্প্যান আর এক্সপোজার কে কাজ করতা হয় কিস তরহ সে উসি কা ডিফারেন্স তো আপকো বাতানা হ্যায়, ঠিক আছে? ডিফারেন্স ভি বাতানা হ্যায় আর উসকো কেসে ক্যালকুলেট কিয়া জাতা হ্যায় উসকা পুরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করনা, ঠিক আছে? स्पैन एक्सपोजर मिला के ही टोटल मार्जिन होता है जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हो। से फॉर एग्जांपल आप TCS में ट्रेड लेना चाहते हो, मैं TCS का नाम इसलिए बार बार ले ले रहा हूँ बिकॉज हम लोग ये जो पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जिस दिन से स्टार्ट किया हम लोग TCS का एग्जांपल उठा के बात करें, इसीलिए TCS, आप जो भी मर्जी उठाओ सर, रिलायंस ले लो, बिरला ले लो, जो मर्जी आप उठा लो। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखिए सर, तीन आपको तीन तीन दिखाई दे रहा है फ्यूचर, जून जुलाई अगस्त। हेलो, प्लीज टेल मी, है ना? तो आप किसी भी एक फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, जून फ्यूचर हो, जुलाई फ्यूचर हो, है ना? और इसका एक एक्सपायरी होता है, इसका एक एक्सपायरी होता है हर हर एक आपका फ्यूचर ट्रेड का, और उसके अंदर आपका एक्सपायरी डेट में आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कैरी फॉरवर्ड भी करते हो आप तो वो अलग बात है, कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है उसमें हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट से फॉर एग्जाम्पल आप TCS फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहते हो तो ले लो ना। तो TCS फ्यूचर में अगर मैं यहाँ पर बाई ऑप्शंस में जाता हूँ, आपको लग रहा है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है सर, ये मैं आपको स्टार्टिंग डे से बता रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है, और पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार अभी TCS फ्यूचर जुलाई फ्यूचर, हाँ,
জুন ফিউচার, সরি জুন ফিউচার আগে আপনি খরিদনা চাহতে হো, এক সেকেন্ড পেন কা কিয়া দিক্কত হো গে, সহি তো চল রহা হ্যায়। আজ প্রবলেম করেগা, ঠিক আছে চলো, আই হোপ কি আগে আর প্রবলেম নেই হোগা। আরে আজ তো দিক্কত ই কর গিয়া, আচ্ছা চলো আপ লোক এসে দিখাই দে রা হ্যায় কিয়া, প্লিজ টেল মি, দেখো তো স্যার ইয়ে যাহা ভি মে দিখা রহা হুঁ, ठीक है आप देख सकते हो NFO, ठीक है मतलब फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जब भी आप NSE के थ्रू से करते हो, ठीक है तो आप यहाँ पर देखो प्रिया दिखाई दे रहा है तुमको? यस सर। देखो यहाँ पर देखो सर किस तरह से आप जब भी NFO में देख रहे हो, देखो 3406, 3407 ये अभी मार्केट ऑन है, 408 भी हो गया है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे 408 भी हो गया, ये चेंज हो रहा है, तो सर यहाँ पर कम से कम 150 क्वांटिटी खरीदने के लिए बोल रहा है, ठीक है और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो 150 क्वांटिटी, मोटा मोटी इसका प्राइस कितना पड़ जाएगा, 150 क्वांटिटी 3400 करके एक बार कैलकुलेट करके देखो, 91,322.95 सर ठीक ठाक से देखो, ये तो मार्जिन है 5,10,000, मैंने बोला 150 3408 करके देखो, और ये तो मार्जिन है आप जो बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है, 5,11,200, 5 लाख, ठीक है सर, ठीक है तो ऑलमोस्ट 5 लाख आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पड़ेगा, ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पड़ जाएगा 5 लाख, जिसका मार्जिन मनी जो है वो आ जाएगा आपका 91,000। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि 5 लाख का प्रोडक्ट आप सर्विस मतलब शेयर आप कितने में खरीद पा सकते हो सर, आप 91,322 में परचेस कर सकते हो, ठीक है मार्जिन जमा करके आप ट्रेड ले सकते हो, और इस तरह से ट्रेड लेके कैसे प्रॉफिट होता है लॉस होता है इसका मुझे और कोई कुछ बताने का जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट 5-7 क्लासेस से हम लोग यही चीज़ बात करके आ रहे हैं सब, है ना कि किस तरह से फ्यूचर मार्केट में ट्रेड लेके आप मार्जिन जमा करके प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है आगे और भी चर्चा रहेगा बिकॉज कैलकुलेशंस वगैरह भी चलेगा, ठीक है लेकिन आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ सर, जैसे कि लास्ट दिन मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझाया था मार्क टू मार्केट, है ना लास्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास में, ठीक है इसमें yes, एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 1 दिसंबर से और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था 4 दिसंबर को, ये लास्ट वीक का था बात, ठीक है लास्ट वीक जिस दिन हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया था उसमें हम लोगों ने सर 1 दिसंबर को एक शेयर 165 में हम लोगों ने परचेस किया, ठीक है जिसका क्लोजिंग प्राइस था 168.3, फिर 2 दिसंबर को 168.3 क्लोज हुआ था, मतलब ये जो क्लोजिंग है फिर यहाँ से इसका प्रॉफिट कितना हुआ ये देखना पड़ा था, ठीक है फिर ये क्लोजिंग प्राइस इसका ओपनिंग हो जाएगा 3 दिसंबर का, फिर यहाँ से 3 दिसंबर क्लोज में कितना यहाँ पर लॉस हो गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरा लास्ट वीक बोला हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में और नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर 4 दिन का पूरा फ्यूचर मार्केट का परफॉर्मेंस के बेसिस में आपका मार्क टू मार्केट मैंने आपको समझाया था, ठीक है और लास्ट में जाके 1, 2, 3, 4 दिन का सेशन के बाद आपका प्रॉफिट 10,200 में आके पॉजिटिव में रुका था, ठीक है मतलब आपने पॉजिटिव प्रॉफिट कर लिया सर, नेगेटिव प्रॉफिट होता है क्या, हाँ नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, अगर यही चीज़ अगर रेट ज़्यादा हो जाता हाँ या फिर अमाउंट रेट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता तो यही आपका लॉस हो जाता क्या रे, सही है या गलत है ना, तो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट के साथ मार्क टू मार्केट के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डे टू डे प्रॉफिट को मार्केट कैलकुलेट करता है और हमारे लिए रेडी रखता है, लेकिन अभी मैं आपको मार्जिन का बिगर पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, ठीक है एम टू एम को मैंने आपको बताया, अब एम टू एम को थोड़ा सा साइड में रखना है, एम टू एम को साइड में रख के हमें आगे बढ़ना है मार्जिन के बारे में, तो मार्जिन बिगर पर्सपेक्टिव ध्यान से सुनिए सर, ये जो मार्जिन के बारे में मैं आपको शुरू से बात कर रहा हूँ मतलब शुरू से मतलब आज के शुरू से भी और पहले क्लासेस के हिसाब से भी, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा सर, आ
आज ये पेन मेरा काम नहीं करेगा क्या? बार बार इरेजर आ जा रहा। आज झमेला करेगा लगा। ठीक है छोड़ो, बंद ही कर दो। अच्छा क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को प्रॉपरली? सुमित एंड यस हां। अच्छा देखो, तो बेसिकली मार्जिन का बिगर पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे आपको यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं कि मार्क टू मार्केट को भी थोड़ा साइड में रखो। जैसे मैं पहले भी आपको बोला था कि फ्यूचर ट्रेडर कॉल्ड इनिशियल मार्जिन है ना, इनिशिएट अ फ्यूचर ट्रेड। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड इनिशिएट करना है तो आपको इनिशियल मार्जिन से करना होगा। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर मैंने अभी TCS का जून फ्यूचर में दिखाया। ठीक है, आपको अगर अभी के डेट में, आज के डेट में अगर ये करना है तो ये आपको 91,322 से आप कर सकते हो। लेकिन सब कॉन्सेप्ट इज दैट सर, इस मार्जिन के अंदर 5 लाख का ट्रेड है सर। अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया 150 क्वांटिटी 3,400 करके या 800 करके। कॉन्सेप्ट इज दैट सर, जब भी आप इनिशियल मार्जिन लगाओगे ना, इनिशियल मार्जिन तो आपको जमा करना है, लेकिन इनिशियल मार्जिन जो है सर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 5 लाख, 150 क्वांटिटी, NFO आपका चल फ्यूचर मार्केट चल रहा है 3,300-400 करके चल रहा है। आप देख सकते हैं अप एंड डाउन इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी मार्केट ऑन है ना, लाइव मार्केट है, इसीलिए मार्केट में ट्रेडिंग के कारण ये चेंज हो रहा है। यह सब आप लोगों को पता है सर, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ। और ये जो चेंजेस इसलिए होता है, आप कभी भी किसी मार्केट का डेप्थ के अंदर चले जाओ, ठीक है, जैसे ये निफ्टी का जून फ्यूचर का ट्रेड देखे आप, ठीक है, निफ्टी जून का ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया आपको यहाँ पर देखो मार्केट डेप्थ दिखेगा, मतलब कितना लोग कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है, कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखता है। और ये कैसे काम करता है आप लोगों को पता है, और उसी के कारण रियल मार्केट में, स्पॉट मार्केट में एज वेल एज फ्यूचर मार्केट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये सब कारण तो आप लोगों को मैं बोल बोल के थक चुका हूँगा, है ना यार, सही बोलना ना आप लोगों को, ये सब मैटर मैं आपको बहुत बार बोल के आया। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये है सर, कि जैसे आपने TCS का 5 लाख का शेयर खरीदने के लिए 91,000 का मार्जिन जमा करने का सोच रहे हो ना, ये परसेंटेज के हिसाब से, तो इनिशियल मार्जिन इज क्रिएशन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। 5 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज आपसे इनिशियल मार्जिन लिया जाएगा। लेकिन इस इनिशियल मार्जिन के अंदर दो मार्जिन काम करता है, एक का नाम है स्पैन मार्जिन, दूसरे का नाम है एक्सपोजर मार्जिन। अब क्वेश्चन इज दैट सर, ये स्पैन और एक्सपोजर में फर्क क्या है? मैं लास्ट दिन भी थोड़ा सा बताया था, आज भी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद भी रखिएगा, बिकॉज जब आप लोग मार्केट में स्टॉक ब्रोकिंग एडवाइजरी बन जाओगे, ठीक है, इक्विटी एडवाइजर पक्का बन जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर भी होगा, और जब आप खुद के लिए भी ट्रेड लेना चाहते हो तब भी। तो एवरी टाइम अ ट्रेडर इनिशिएट अ फ्यूचर ट्रेड, फॉर दैट मैटर एनी ट्रेड, ठीक है, कोई भी ट्रेड बोले, फ्यू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी वर्क इन द बैकग्राउंड। अब देखो, ट्रेडर तो ट्रेड लेगा, लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी बीच बैकग्राउंड में काम करता है, जैसे कि ब्रोकर, जैसे कि एक्सचेंज, जैसे कि ब्रोकर, जैसे कि एक्सचेंज। जैसे ब्रोकर का नाम लिया तो मैं ज़ेरोधा का नाम लूंगा, मैं अपस्टॉक्स का नाम लूंगा, मोतीलाल का नाम लूंगा, ICICI का नाम लूंगा, है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रोकिंग एजेंसीज इन द मार्केट, जो मार्केट में आपको हेल्प करता है सर ये पूरा का पूरा काम करने के लिए। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कोई भी चीज, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते सर कोई भी चीज। अगर आपको करना है तो आपको ट्रेड करना होगा किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू से, ज़ेरोधा के थ्रू से कर लो, मोतीलाल के थ्रू से कर लो, अपस्टॉक्स के थ्रू से कर लो, ICICI डायरेक्ट के थ्रू से कर लो। देर आर लॉट्स ऑफ बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा सस्ता में करता है खुद से करने के लिए। जब आप जॉब करोगे तो क्लाइंट के हिसाब से, जैसे कि मोतीलाल जैसे कंपनीज भी है, ICICI डायरेक्ट जैसे कंपनीज भी है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। ना क्वेश्चन इज दैट सर, कि ये जो बैकग्राउंड में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी काम करते हैं, ठीक है,
जैसे ये देखो सर, मैं यहाँ पर आ गया एनएसई के साइड पे, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर देखो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर देखा जा रहा है आपको, टीसीएस का फ्यूचर भी आप देख सकते हो। तो बैकग्राउंड में कौन लोग काम करते हैं जो हमें नहीं दिख पाता, हम लोग सिर्फ ब्रोकर को देख पाते हैं, या तो हम लोग मोतीलाल को देख लेंगे, या तो हम लोग जीरोधा को देख लेंगे, या तो हम लोग अपस्टॉक्स को देख लेंगे, ऐसे बहुत सारा है, 100 के आसपास है सर ना। क्वेश्चन इज दैट कि बैकग्राउंड में ये लोग जो काम करता है कौन, इंटरमीडियरी, किसका नाम कर रहा है सर, इंटरमीडियरी। अगर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास प्रिया कर रहे हो तो प्रिया को जरूर पता होगा कि आजकल मैं सेकेंड लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में इंटरमीडियरी के बारे में डिटेल्स है। प्रिया देखा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास गो थ्रू किया आपने, अगर करेगा ना तो फिर सर इंटरमीडियरी कौन है, किस तरह से क्या करता है, सारा डिटेल्स बोला हुआ है। तो सर अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज करते रहना, अगर सीखना है तो आपको थोड़ा मेहनत। हाँ सर, हम कर लेंगे। एक्चुअली मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, एक्चुअली मैं घर पे नहीं, एक जगह से एक जगह हो रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है सर, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि देखो ये सब अभी का डाउट अभी क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में क्या होगा सब पेंडिंग हो जाएगा, दैट इज द रीजन, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर। यस सर, आई नो, बट आई हैव सम इश्यूज। ओके, नो दैट्स व्हाई आई एम नॉट आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस स्टार्टिंग कंटिन्यूअसली इन माय एग्जाम्स आल्सो नियर सून, बट आई कैन नॉट स्टडी ऑन दैट आल्सो। ओके ठीक है, तुम अच्छे से जब भी मौका मिले कर लेना। हां ओके सर। Every time a trader initiates a future trade, for that matter any trade, if new few financial intermediaries work in the background ensuring that the trade carries out smoothly, ठीक है, trade जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे जैसे अगर हम लोग यहाँ से trade लेंगे, अगर मानो TCS का future खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारा एक ही काम होगा, हम लोग सिर्फ buy या sell करेंगे as a trader, बाकी काम देखने का responsibilities किसका, broker का and exchange का, ठीक है। तो ये स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए तो टू प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या हो गया सर, ब्रोकर एंड एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो सर, क्लाइंट, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्लाइंट को एक्सचेंज तक पहुँचने के लिए ब्रोकर के रास्ते से ही जाना होगा। इफ द क्लाइंट डिफॉल्ट्स ऑन एन ऑब्लिगेशन, अगर क्लाइंट किसी कारण से मतलब डिफॉल्ट कर देता है, डिफॉल्ट मतलब उसका जो जब मार्जिन जमा करके उनको जो वो जो ट्रेड ले रहा है, जैसे आप लोगों को पता है ना सर, अगर अभी कोई बाई कर रहा है कोई स्टॉक, ठीक है, तो उसको पेमेंट करना होगा जो सेल कर रहे हैं उसको। हेलो सुमित, यस यस सर, एक बंदा बाई करेगा, दूसरा बंदा सेल करेगा, तो उसको पेमेंट करना होगा। तो अगर मानो कि कोई बंदा पेमेंट डिफॉल्ट कर रहा है, तो डिफॉल्ट करेगा तो फिर उसके मार्जिन से ही अमाउंट काटा जाएगा, है ना सर, उसका मार्जिन एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी कर रहा है सर, the client defaults on an obligation, it obviously has a financial repercussion on the both the broker and exchange, hai na, iska pura pressure kiske upar aayega, exchange ke upar aur broker ke upar, hence if both the financial intermediaries have to be insulated against a possible client or default, they need to cover adequately using a margin deposit, inka jo bhi paisa kahan se uthayega, ye margin se uthayega, aur isi purpose mein margin kaam karta hai, theek hai, koi default kare एडजस्टमेंट, और एक का प्रॉफिट दूसरे को देना है, जैसे मानो कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप लोगों को पता है ना, एक बायर होगा एक सेलर होगा, अब बायर को प्रॉफिट, जैसे एम टू एम में मैंने आपको दिखाया था कि एक का प्रॉफिट होता है दूसरे का लॉस होता है, तो कहाँ से एडजस्ट करेगा, मार्जिन से एडजस्ट करेगा। नाउ पॉइंट इज दैट, ये मैं लास्ट वीक समझाया था, स्पैन मार्जिन क्या है, स्पैन मार्जिन इज द मिनिमम रिक्विजिट मार्जिन, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्जिन ब्लॉक एज पर एक्सचेंज मैंडेट, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैंडेट के हिसाब से जो मार्जिन ब्लॉक किया जाता है वो स्पैन मार्जिन कहलाता है। और दूसरा जो है उसका नाम है सर एक्सपोजर मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन इज द मार्जिन ब्लॉक ओवर एंड अबव द स्पैन टू क्यूशन फॉर एम टू एम लॉसेस, अगर मार्क टू मार्केट में किसी का लॉस होता है, उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए एक का प्रॉफिट होगा दूसरे का लॉस होगा, और ये डेली बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब किताब होता है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, इसके बारे में मैं लास्ट वीक बहुत ही डिटेल्स में समझाया था सर। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल देखो कि इसमें एक बार प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार लॉस हो रहा है ना, तो सर जब लॉस हो रहा है तब अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये बायर का प्रॉफिट है तो सेलर का लॉस है। सर अगर मानो कि आप बायर हो, ठीक है, 165 में बाई किया था आपने और 168 में आपने सेल करने का सोचा, ठीक है, लेकिन आप सेल नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली अपना हिसाब रख रहे हो, तो 165 में बाई करके 168 में अगर आप सेल करते हो तो प्रॉफिट हुआ पर शेयर का आपका, तो आपने प्रॉफिट किया 6600,
लेकिन आपने प्रॉफिट किया तो किसी का तो लॉस हुआ होगा, प्लीज टेल मी। यस सर। तो सेलर का जो लॉस होगा, तो सेलर का लॉस का अमाउंट कहाँ से डिडक्ट करेगा? सेलर के मार्जिन अमाउंट से, है ना? तो सेलर के अकाउंट से आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेलर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली जब आपका अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1600 में लॉस, तो इसके कारण सेलर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस तरह से इसका एडजस्टमेंट सिंपल वे में होता जाएगा, जो मैं लास्ट वीक आपको समझा के रखा था। अब यहीं पर खेल है कि अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा तो उसके लिए दोनों मार्जिन हो गया, एक तरफ हो गया स्पैन मार्जिन जो एज पर दी एक्सचेंज BSE NSE के कहने पे मैंडेट होता है, और दूसरा हो जाता है एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर मार्जिन इज द मार्जिन ब्लॉक्ड ओवर एंड अबव द स्पैन, ओवर एंड अबव द स्पैन, स्पैन के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि वो एम टू एम लॉसेस को भरपाई कर पाए। टू नो हेलो बोल বলছি দাদা, তার মানে ব্যাপারটা হলো যে স্প্যান মার্জিন হচ্ছে বেসিক্যালি যে মার্জিনটা তোমার NFE বা BFE এক্সচেঞ্জ থেকে যে অ্যামাউন্টটাকে ব্লক করছে, ঠিক আছে? হুম 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 হ্যাঁ, মানে হচ্ছে ধরো সাপোজ এখানে তুমি যেটা TPF এ দেখাচ্ছিলে 5 লাখ সামথিং কিছু হয়েছিল, তো ওটা আমাকে 14% মার্জিন দিতে হচ্ছিল, মানে আমার এখানে স্প্যান মার্জিনটা দাঁড়াচ্ছে তোমার 91,000 সামথিং। আর এইটা যখন আমার ট্রেডিং এ মানে মার্ক টু মার্কেট মানে ডেইলি বেসিসে তোমার PL টাকে স্টেটমেন্টটা, ঠিক আছে? তো এটা যখন তোমার ট্রেডিং এর মধ্যে যখন PL টা যখন অ্যাড লেভ হচ্ছে তোমার, যখন অ্যাড হচ্ছে তখন ওটা 91,000 এর উপর প্লাস হচ্ছে, আর যখন ওটা লেভ হচ্ছে তখন 91,000 থেকে লেভ হচ্ছে। এই কনসেপ্টটাকে বলছে তোমার এক্সপোজার মার্জিন। নেই এক চিজ মে বাতা দো সুমিত, ইয়াহ পর ये जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, लाइक ये जो मार्जिन जो भी हो रहा है इसके अंदर स्पैन और एक्सपोजर दोनों ऐड करके ये मार्जिन है। আচ্ছা, এই ব্যাপারটা আমার একটুখানি মানে খটোমটো লাগছিল, তাই জন্য আমি প্রথমেই তোমাকে বললাম। थोड़ा सा वेट कर जा, आगे और क्लियर हो जाएगा। ओके 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 ओके, अपकमिंग 10 मिनट्स में पूरा क्लियर हो जाएगा, देख लो। अच्छा, इन फैक्ट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। स्पैन मार्जिन इज द मिनिमम मार्जिन, और एक्सपोजर मार्जिन जो स्पैन के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द स्पैन एम टू एम लॉसेस को एडजस्ट करने के ना। कॉन्सेप्ट इज दैट बोथ स्पैन एंड एक्सपोजर मार्जिन आर स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज, सो एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग ए फ्यूचर ट्रेड द क्लाइंट हैज टू एडहेयर टू द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब क्लाइंट ट्रेड लेगा, चाहे वो निफ्टी में ले या TCS में ले या किसी और स्टॉक में ले, उसकी इनिशियल मार्जिन, ये देखो सर इनिशियल मार्जिन चेंज हो गया, आप लोगों को दिख रहा है सर? दो मिनट पहले TCS में मैंने दिखा रहा था 150 क्वांटिटी के लिए। হ্যাঁ, ওই 91,000 ছিল, এখন 1 লাখ সামথিং হয়ে গেল, যেহেতু মানে প্রাইসটা তোমার স্পট মার্কেট আর ফিউচার মার্কেটে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, তাই জন্য 14% এর ডিফারেন্সে ওটা গ্যাপে ওটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। আর তুমি अपना প্রাইস বিঠাওগে তো थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन देखो यहां पर देखो 91,322 हो गया अभी फिर से, है ना? तो 150 क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन के अंदर स्पैन भी है एक्सपोजर भी है। अब इसका परसेंटेज कैसे डिसाइड करते हैं मार्केट, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो ध्यान से सुन लो। स्पैन मार्जिन इज मोर इम्पोर्टेंट बिटवीन द टू मार्जिन, एज नॉट हैविंग दिस इन योर अकाउंट मीन्स पेनल्टी फ्रॉम द एक्सचेंज। अगर आपके अकाउंट में स्पैन मार्जिन नहीं रहेगा तो एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, बिकॉज विदाउट मार्जिन आप ट्रेड नहीं सकते। विदाउट स्पैन मार्जिन आप ट्रेड ले ही नहीं सकते, स्पैन मार्जिन आपके अकाउंट में होना ही होना है। कितना परसेंटेज कम से कम रहना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आगे देखो। अच्छा, तो फिर एक्सपोजर मार्जिन अगर ना भी रहेगा तो भी कर सकते हो, लेकिन बिना स्पैन का करोगे तो फिर आप पे पेनल्टी चार्ज होगा। द स्पैन मार्जिन रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन एज लॉन्ग एज द ट्रेडर विशेस टू कैरी हिज पोजिशन ओवर नाइट और नेक्स्ट डे। अगर आप एक रात के अंदर, मतलब आज खरीदा कल बेच दिया, ठीक है, या नेक्स्ट डे बेचना है, ठीक है, अगर आप सेम डे के अंदर या नेक्स्ट डे के अंदर अगर आप ट्रेड को कंप्लीट करना चाहते हो, मतलब से फॉर एग्जांपल आप TCS को आज बाई करते हो, जैसे आज 7th of June है, आप कल के अंदर या आज शाम के अंदर अगर आप पूरा ट्रेड को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में स्पैन मार्जिन होना जरूरी है सर। चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, तो आपके अकाउंट में स्पैन मार्जिन होना, स्पैन मार्जिन का अमाउंट होना मैंडेटरी है। अगर नहीं होगा तो आप पे पेनल्टी चार्ज करेगा, ठीक है? सो हाउ डज द एक्सचेंज डिसाइड, ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करता है ये आपको मैं समझाता हूँ। स्पैन मार्जिन रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन एज लॉन्ग एज द ट्रेडर विशेस टू कैरी हिज पोजीशन ओवरनाइट और नेक्स्ट डे। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के अंदर क्या कहा जाता है कि स्पैन मार्जिन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन।
जैसे आप लोग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते सर, प्लीज टेल मी मुझे, है ना? जैसे नॉर्मल है आज की डेट में अगर कोई भी प्राइवेट बैंक में उठा दो, लाइक HDFC, लाइक एक्सिस बैंक, या अगर SBI भी उठा लो आप, ठीक है, SBI वगैरह में रूल्स है कि कम से कम 5000 बैलेंस रखना पड़ेगा, फिर जाके आप एक्स्ट्रा उठा सकते हो, है ना? या फिर एक्सिस वगैरह में क्या रूल है, एक्सिस वगैरह में रूल है कि अगर आप कम से कम 12000 आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाके आप विड्रॉल करो तो मिनिमम बैलेंस, ठीक है? तो यहाँ पर भी स्पैन मार्जिन ऑलमोस्ट उसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, कि कम से कम इतना बैलेंस आप स्पैन मार्जिन के लिए रखो, मेंटेनेंस मार्जिन, सिंपल बात है। जैसे बैंक में मिनिमम मेंटेनेंस होता है, वैसा यहाँ पर भी मेंटेनेंस मार्जिन आपको रखना पड़ेगा ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, स्पेशली जो फीचर रखेंगे तो चार्ज कटेगा ना। हाँ बोलो, मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे रखेंगे तो चार्ज कटेगा, फाइन, मेंटेनेंस, हाँ यस, पेनल्टी लगेगा, सिंपल है, ठीक, जैसे बैंक में भी होता है। ट्रेड लेना है तो मेंटेनेंस मार्जिन जमा करो, और मेंटेनेंस मार्जिन मतलब स्पैन मार्जिन, ठीक है? अभी ओके सर, एंड उसका ऑपोजिट जो है ना एक्सपोजर मार्जिन, तो क्या होता है स्पैन मार्जिन से जब पैसे ज्यादा रहते हैं अकाउंट में वो वाला का यस, इन सिंपल वही है। आप अभी देखो मैं बताता हूं, उसमें तो कोई फाइन भी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। अब सुन तो लो पूरा, ठीक है, अब पूरा सुन लो। सो हाउ डज द एक्सचेंज डिसाइड व्हाट शुड बी द स्पैन मार्जिन, स्पैन मार्जिन कितना होगा, ये कैसे एक्सचेंज डिसाइड करेगा रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? वेल, दे यूज एन एडवांस एल्गोरिदम कैलकुलेट दी स्पैन मार्जिन। ये लोग एल्गोरिदम मतलब एक स्पेशल टेक्नोलॉजिकल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, एल्गोरिदम मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स, ठीक है, वो एल्गोरिदम के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑन ऑफ द की इनपुट्स टू गो इनटू द एल्गोरिदम वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक का वोलेटिलिटी कितना है, मतलब कितना ज्यादा अप एंड डाउन होता है स्टॉक, उसके बेसिस में वो डिसाइड करता है कि किसका स्पैन मार्जिन ज्यादा होगा, किसका स्पैन मार्जिन कम होगा। अब आप लोग पूछोगे सर वोलेटिलिटी क्या होता है, सर मैं आपको क्या बताया, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि स्टॉक में लोग बहुत ज्यादा बाई सेल चलता है, मतलब अभी खरीदा अभी बेच दिया, या फिर बाई करके थोड़ा सा फोल्ड करना पसंद करता है लोग, ठीक है? तो जैसे अगर आप TCS को देखो, मतलब कुछ स्टॉक होते हैं ना बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, मतलब अभी बाई किया अभी कुछ मिनट के अंदर वो पूरा एकदम इधर उधर हो गया, ठीक है? तो अगर बहुत ज्यादा वोलाटाइल होगा स्टॉक, मतलब अगर स्टॉक बहुत ज्यादा वोलाटाइल, ऐसे स्टॉक में वो मार्जिन ज्यादा लगाएगा। जो स्टॉक वोलाटिलिटी जिसका कम है उसमें मार्जिन थोड़ा कम भी कर सकता है। अब एल्गोरिदम का मतलब क्या है सर, एल्गोरिदम का मतलब एक सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मानो कि कोई भी चीज अगर आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन मोबाइल लिखते हैं यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट आया, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर कुछ मोबाइल का पिक्चर दिखा दिया, ये जो गूगल ने दिखाया ना सर, ये एल्गोरिदम के कारण दिखा पाया। पॉइंट ऑफ नोटेड सर, एल्गोरिदम एक ऐसा सर्च इंजन टेक्निक है, एक ऐसा मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू से, मतलब ये डिपेंड करता है, इसके लिए ना डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, या सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मार्जिन ये भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक सर्चिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, कि उसके हिसाब से भी वो दिखाते हैं, ठीक है, कि किसको आगे दिखाया जाएगा किसको नहीं। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर गूगल एल्गोरिदम यूज करता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में कंपनीज जो होते हैं ये भी एल्गोरिदम यूज करके वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक के बेसिस में डिसाइड करते हैं कि किसका स्पैन ज्यादा होगा किसका स्पैन कम होगा। वोलेटिलिटी इज वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट, आगे इसका डिस्कस करेंगे सर नेक्स्ट चैप्टर्स में, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, इफ वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू गो अप स्पैन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑल्सो गोज अप। वोलेटिलिटी का मतलब समझते हो ना, वोलेटाइल मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, वोलेटाइल मतलब जो फिक्स नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, उसको वोलेटाइल बोला जाता है, ठीक है? तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा चेंज होता है तो उसको हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो स्पैन मार्जिन तब ज्यादा लगता है जब वोलेटिलिटी ज्यादा, स्पैन मार्जिन तब कम लगेगा जब वोलेटिलिटी कम। मतलब ऐसे समझो कि जिस स्टॉक का मार्केट में स्टेबिलिटी अच्छा है उसमें मार्जिन कॉम्पिटिटिवली कम लगेगा, जिसका स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है उसमें स्पैन मार्जिन ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं आपको क्या बोला इसके बारे में, सामान्य ब्लू चिप कंपनी लाइक रिलायंस बोला, यस यस वेरी गुड सर, निफ्टी 50 कंपनीज जो होते हैं सर, ठीक है, उसका वोलेटिलिटी कम है ना कंपेयर टू बाकी स्टॉक,
निफ्टी 50 छोड़ के अगर आप दूसरे स्टॉक के ऊपर देखते हो, उसका वोलेटिलिटी हाई है, वो ज्यादा प्रॉफिट भी देता है तो ज्यादा लॉस भी करा सकता है, लेकिन निफ्टी 50 स्टॉक अगर आप देखोगे। हाँ बोलो सुमित, बोलो। তার মানে দাদা এইটা তো তার মানে ডাইরেক্ট আমাকে মার্জিনের উপর হিট করে, তার মানে এই যে তুমি যে টিপিএস টা খুলে যে 14% মানে অ্যাবভ 15% তোমার মার্জিন হয়, তো দুটো মিলিয়েই তো তোমার মার্জিন, স্প্যান প্লাস এক্সপোজার দুটো মিলিয়েই তো মার্জিন হচ্ছে। তার মানে স্প্যান স্প্যানটা আমার স্ট্যান্ডার্ডাইজড থাকছে, আর এক্সপোজার মার্জিনটা যেটা রয়েছে এটা মানে ডিফারেন্ট করছে কম জ্যাদা। হ্যাঁ তার মানে लेकिन তোমার স্প্যান ভি বেসিক্যালি স্প্যান ভি ज्यादा होगा कि স্প্যান का परसेंटेज कितना होगा ये भी एक्सचेंज डिसाइड करता है वोलेटिलिटी के बेसिस पर। মানে দুটোই কনসেপ্টে ভোলাটিলিটির উপরে কনসেপ্ট হয়। এক্স্যাক্টলি, ভোলাটিলিটি ইজ এ বিগ ইস্যু, ওই তো মে বলা নেক্সট চ্যাপ্টার মে বাত করেঙ্গে, আগলা চ্যাপ্টার মে মার্কেট ভলিউম, মার্কেট ভলিউম অবভিয়াসলি, মার্কেট ভলিউম মতলব কিতনা জাদা লোক বাই কর রহা হ্যায় সেল কর রহা হ্যায় ও ভি এক ম্যাটার করতা হ্যায়। मतलब जो स्टॉक अचानक से खरीद लिया अचानक सेल कर दिया, काफी ज्यादा वोलेटाइल ना हो गया, है ना, तो डिपेंड करता है सर। मैं वोलेटिलिटी में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है? तो अभी मार्जिन समझ ले, फिर वोलेटिलिटी में बात करेंगे ना। बट इतना समझ ले सर, इतना समझ लीजिए सर कि अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगा तो स्पैन मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसे हम लोग जब भी कोई ट्रेड लेने के लिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका भी चाहे टीसीएस, इसका वोलेटिलिटी उतना भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन कोई दूसरा स्टॉक जो उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, रुचि सोया पे देखते हैं, रुको रुचि सोया का फ्यूचर देखते हैं। ऐसे यहाँ पर तो ऐसे परसेंटेज आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, मैं मार्जिन कैलकुलेटर जब दिखाऊंगा ना सर नेक्स्ट चैप्टर में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद से घर पे बैठे बैठे ट्राई करना, ठीक है, कि किस पे कितना परसेंटेज लगा रहा है, इससे क्या होगा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। मार्जिन कैलकुलेटर इन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक वोलेटिलिटी मार्जिन चेंज हो सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 5 लाख का टीसीएस जून का फ्यूचर लेने के लिए 91,000 का मार्जिन जमा करना है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कितना परसेंटेज आप देख लो, 91,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख करके 150 क्वांटिटी का। अब इसी हिसाब से आप परसेंटेज कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आजकल मार्जिन कैलकुलेटर है सर, सो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने, कैलकुलेटर में डालो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। अच्छा, तो अगर आपको स्पैन का नॉलेज समझ में आ गया सर, स्पैन क्या है, आई होप कि क्लियर है, स्पैन क्या है क्लियर है, बाकी वोलेटिलिटी का इशू क्या है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सर एक्सपोजर मार्जिन, विच इज एन एडिशनल मार्जिन वेरीज बिटवीन 4% to 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एक्सपोजर मार्जिन क्या है, जो 4 या 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 4 से 5%। इसका मतलब क्या हो गया सुमित, अगर किसी पे मार्जिन 14% हो रहा है। हाँ प्रिया, रोशनी, रोशनी की, रोशनी बुझते पारछी सिक्टो है दादा? यस सर। अगर किसी स्टॉक का मार्जिन 14% है, अगर उसमें 4 to 5% अगर एक्सपोजर पे चला जाता है, तो बाकी 10% क्या है, पैन है। यस सर, है ना? अभी आप लोग ये वाला देख लो, ठीक है? जैसे ये HDFC बैंक का फ्यूचर में है, सुमित देख ले, ये टेबल बहुत कुछ क्लियर करेगा। ये सिंबल देखो, सिंबल क्या है, सिंबल मतलब जैसे यहाँ पर अगर मैं HDFC लिखूंगा तो ये सब सिंबल है, जैसे निफ्टी 50, ग्रासी, MHCI, इसी तरह से मैं यहाँ पर HDFC लिख कर निकालता हूँ। HDFC बैंक भी है, लाइक सिर्फ HDFC मतलब HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा यहाँ पर कौन सा HDFC है, अच्छा HDFC बैंक को लेके काम कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे बैंक लिखना होगा। ये देखो निकल गया HDFC बैंक जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर दिखाई दे रहा है ना सर, तो मैं जून फ्यूचर ही ले रहा हूँ, ठीक है? HDFC 550 क्वांटिटी अभी लेना चाहिए, 1371 करके चल रहा है, और मार्जिन जमा करना है आपको 1,16,705, ठीक है? 550 क्वांटिटी कम से कम लेना पड़ेगा, और 1371 चल रहा है जून फ्यूचर के लिए। अब ठीक है सर, ये तो आपका, अब अभी आप टोटल काउंट करके देखो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो रहा है, 1371 into 550, 7,54,050, 7,54,050, ठीक है? ये एक एवरेज अप्रोक्स है, लेकिन आपको जमा करना है 1,16,705, है ना? तो ये आप समझ रहे हो ना, अब परसेंटेज कर लो, 1,16,705 डिवाइडेड बाई 7 लाख कर लो, तो जितना परसेंटेज होता है उतना आपका मार्जिन जमा करना पड़ रहा है, और वो मार्जिन में एक्सपोजर और स्पैन दोनों है, ठीक है? अब लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, वही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ।
कि आपने एचडीएफसी बैंक लिया, ट्रेड टाइप क्या है, लॉन्ग टर्म। आप कभी कब खरीद रहे हो सर, 10 तारीख को खरीद रहे हो। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग मतलब आज खरीद के 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन बाद बेचना, सेम डे पे नहीं बेचना है। और सबसे बड़ा बात, शॉर्ट नहीं कर रहा है, मतलब शॉर्टिंग मतलब पहले सेल करके बाद में बाई करना, वो शॉर्टिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10 तारीख को परचेस कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं, 19 दिसंबर को। परचेस प्राइस क्या है, 938.7 पर शेयर, ठीक है। ये थोड़ा पुराना रेट का है, अभी के डेट के हिसाब से तो 1371 चल रहा है, लेकिन ये मैं पुराना रेट का हिसाब से एग्जाम्पल क्रिएट करके रखा था, तो उस हिसाब से थोड़ा पुराना दाम चल रहा है। बट कोई बात नहीं सर, दाम पुराना हो या नया, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। अब 10 तारीख के आपके लिए दाम पड़ा एक शेयर का 938, 19 दिसंबर को एक शेयर का दाम हो गया 955, लॉट साइज है 250। तो सर 250 करके, 238 करके, 938 करके आपने टोटल कितना वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट किया था, करके देखो आपको मिल जाएगा 2,34,675। लेकिन स्पैन मार्जिन देखो कितना लगा आपको, यहाँ पर 7.5% स्पैन मार्जिन लगाया गया। अब यहाँ पर ये स्पैन कितना होगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो वोलेटिलिटी के बेसिस में एक्सचेंज डिसाइड करता है, ब्रोकर डिसाइड करके बताता है आपको। लेकिन सर एक्सपोजर मार्जिन देखो, जो नॉर्मली 4-5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है, एक्सपोजर मार्जिन जो स्पैन के ऊपर होना चाहिए और वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 4-5%। अब ये अगर 4-5% है तो और बाकी 7.5 है तो टोटल कितना हो गया, 12.5%। एक्सपोजर का फिर भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि 4-5% ही आपको एक्सपोजर मिलेगा। सुन ले एक बार बात, एक्सपोजर आपको 4-5% ही मिलेगा, लेकिन स्पैन का परसेंटेज बाकी जो टोटल आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से। अब ये कितना परसेंटेज स्पैन होगा, ये वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 15-20% के अंदर ही सीमित रहता है, 10-20% के बीच भी। बोल सुमित, क्या बोल रहा है, सवाल क्या है? মানে ব্যাপারটা এটাই ক্লিয়ার হলো যে তোমার ফিউচার মার্কেটে স্পট মার্কেটে যেটা চলছে তো সেটা হচ্ছে কি উল্টো দিক সাইডে, তো স্পট মানে ফিউচার মার্কেটও একটা চলে, পজিটিভ নেগেটিভ হয় স্পট মার্কেটে রিলিভেন্ট। তো ফিউচার মার্কেটে যে প্রাইসটা চলছে সেইটার উপরে বেস করে এক্সচেঞ্জ রেট লাগায় যে তোমার স্প্যান বা এক্সপোজার মার্জিন কি হবে, আর ওই দুটো মার্জিন মিলিয়ে মার্জিন হয়, ঠিক আছে। আর এস্টিমেট তোমার স্প্যান মার্জিন হচ্ছে তোমার মানে সরি এক্সপোজার মার্জিন 4-5% এর গ্যাপে থাকে, আর বাকি যেটা থাকে কন্ট্রাক্ট ভ্যালু, 4-5% কন্ট্রাক্ট ভ্যালু, মানে কন্ট্রাক্ট ভ্যালুর উপর 4-5% থাকে, আর বাকি যেটা থাকবে সেটা আমাকে স্প্যান মার্জিন ধরে নিতে হবে। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। তো 2,34,675 ইয়ে আপনার এইচডিএফসি ব্যাংক কা কারেন্ট কন্ট্রাক্ট হ্যায় এজ পার আওয়ার एग्जांपल। अब इसमें 5% अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% 11,733 है, तो फिर बाकी 7.5% यहाँ पर आपको एक्सचेंज ने बता दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मैं आपको मार्जिन कैलकुलेटर वगैरह में और समझाऊंगा मैटर क्या चलता है। अब 17,600 आपका हो गया स्पैन मार्जिन, अब दोनों मिला के आपका मार्जिन हो जाता है 29,334। अब दोनों को मिलाओ, इनिशियल मार्जिन में आपका दोनों मार्जिन है। जैसे यहाँ पर जब जब हम लोग मार्जिन देख रहे हैं, ये इसमें दोनों मार्जिन है, ये जो मार्जिन रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है ना सर सबको, हेलो। Yes, sir. ठीक है। इसमें ये इनिशियल मार्जिन है, अब ये इनिशियल मार्जिन पे एक्सपोजर भी है स्पैन भी है, ठीक है, लेकिन दोनों का अलग अलग पर्पस है, ठीक है। स्पैन मार्जिन एक्सचेंज का मैंडेट होता है कि भाई इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा मिनिमम बैलेंस की तरह, जैसे बैंक अकाउंट में होता है। और एक्सपोजर मार्जिन स्पैन के ऊपर एक्स्ट्रा जो एम टू एम लॉसेस को मतलब एडजस्ट करने के लिए ब्रोकर एंड एक्सचेंज आपसे लेता है, ठीक है। जो अपना लॉस होगा मार्क टू मार्केट में, जो अगर लॉस होता है ना एक पार्टी का, तो एक पार्टी तो लॉस में जा सकता है, तो एक पार्टी जिसका भी लॉस होगा वो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए एक्सपोजर मार्जिन आपसे लिया जाता है। तो कुल मिला के 29,334, जिसका टोटल वैल्यू है 2,34,675। तो फिर अभी आपका प्रॉफिट का पर शेयर का क्या हालत है सर, आपका शेयर 10 तारीख में था इतना दाम पे, आपका शेयर 19 तारीख को हो गया 955, तो आपने पर शेयर में प्रॉफिट कर दिया 16.30, 16.3। तो फिर आपने प्रॉफिट कितना कर लिया, 250 लॉट आपने परचेस किया था, तो 250 करके 16.30 करके आपका प्रॉफिट हो गया 4,075। ठीक है, ये कितना दिन में कमाया आपने, ये 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में, ठीक है, 8 दिन में आपने कमाया, ठीक है। और आपने कितना जमा करके कमाया, ऐसे तो टोटल वैल्यू 2,34,000 का है, बट आपने सिर्फ 29,000 ही जमा किया और बदले में 4,000 का प्रॉफिट किया। यहाँ तक क्लियर है बात,
प्लीज टेल मी सर। यस सर। বলছি দাদা বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি রেকর্ডিংটা আমাকে সেন্ড করে দিও। ওকে ওকে দাদা বাই। আব আগে দেখো স্যার, চাহে আপ কিসি ভি প্ল্যাটফর্ম মে ইউজ করো, চাহে জিরোধা ইউজ করো, চাহে মোতিলাল ইউজ করো, ঠিক হ্যাঁ, মার্জিন ক্যালকুলেটর আপকো ইয়ে সব চিজে এক্সপ্লিসিটলি বতা দেতে হ্যায়, স্প্যান কিতনা হ্যায়, এক্সপোজার কিতনা হ্যায়, জো মে আপকো আগে আগে এসে ভি দিখা দেতা হুঁ, ঠিক হ্যায়, এসে ইস তরহ সে এক মার্জিন ক্যালকুলেটর ভি আপকো মিল জায়েগা, ঠিক হ্যায়। जैसे ये मैं जीरोधा में दिखा रहा हूँ, बट सिमिलर चीज आप जब मोतीलाल से भी करोगे, ठीक है, वहां पर भी आपको दिखाई देगा। आप स्टॉक्स में करोगे, आप आईसीआईसीआई जहां भी जाओ, सबका अपना अपना है सर, बट ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में ही काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख पाए सर, एफ एंड ओ मार्जिन कैलकुलेटर, सिमिलरली आप देखो एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी फ्यूचर भी है, कॉमोडिटी भी है, करेंसी इज ऑल्सो देयर, ठीक है, ये सभी का डेरिवेटिव होता है सर। ये जैसे कॉमोडिटी एंड करेंसी का भी डेरिवेटिव होता है, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव होता है वैसा ही कॉमोडिटी और करेंसी का भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब आपको पता है ना सर, आज के बेसिस पे किसी का कल समझना, ठीक है, दिस इज दैट इज कॉल्ड डिराइव, डिराइवेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली कॉमोडिटी मार्केट एक अलग होता है, करेंसी मार्केट अलग होता है, जिसमें डॉलर करेंसी के बीच में ट्रेडिंग लिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। कॉमोडिटी मार्केट में जैसे हमारे देश में जो अलग अलग जो जैसे गोल्ड सिल्वर्स, ठीक है, अलग अलग मसाला, ये सब में ट्रेड होता है। ये सब भी आगे आगे मैं आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास में भी मैंने डिस्कस करके रखा है। आप लोग अगर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अच्छे से करोगे ना, तो ये सब बात भी मैंने वहाँ पर भी करके रखा। अच्छा, तो एफ एन ओ के अंदर अगर आप यहाँ पर जाता हूँ सर, ये देखो सर, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का एक्सचेंज देना पड़ेगा। जैसे अगर आप फ्यूचर ऑन एन एस सी से खरीद, जैसे यहाँ पर अलग अलग एक्सचेंज दिख रहा है, एम सी एक्स जो है सर ये कॉमोडिटी मार्केट है, सी डी एस जो है सर ये करेंसी डेरिवेटिव्स है, और जो इक्विटी मार्केट है वो एनएफओ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉक चूज करो, कोई भी स्टॉक, जो स्टॉक आप लेना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टीसीएस लेना चाहते हैं, तो टीसीएस जून पे हम लोग क्लिक किए, कितना क्वांटिटी लेना है यहाँ पर क्लिक किए, ठीक है, लॉट साइज बाय सेल ऐसे किए, फिर इस तरह से अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, टोटल मार्जिन 109,137, जिसमें स्पैन है 91,257 और एक्सपोजर है 17,881। ओके सर, ठीक है, मतलब इतना अमाउंट जमा करोगे और ट्रेड ले लेना। इस तरह से आप किसी में भी देख सकते हो। आप यहाँ पर टीसीएस के जगह रिलायंस देख लो, ये सब मैं फ्यूचर मार्केट में ही किया, तो फ्यूचर का ही सब दिखेगा मुझे। से फॉर एग्जाम्पल किसी को रिलायंस का 30 जून का फ्यूचर में क्लिक करना है, तो 30 जून में कितना खरीदना रिलायंस का शेयर, कम से कम बोला लॉट साइज 250, ये सब प्री डिसाइडेड है सर, ठीक है, लॉट साइज 250 का है। चलो मैं इसको ऐड करता हूँ, कितना बताया सर टोटल वैल्यू कितना है, टोटल मार्जिन वैल्यू तो आप यहाँ से देख लेना 250 का, जितना दाम चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, ये देखो क्वान्टिटी के हिसाब से 250 का शेयर, टोटल आपका शेयर के दाम के हिसाब से आपको बता देगा। यहाँ पर दाम नहीं दिखा दे रहा है, लेकिन मार्जिन कितना लगेगा वो बता दे रहा है सर, 2,21,860 आपका स्पैन है और 42,372 आपका एक्सपोजर है। ये जो एक्सपोजर मार्जिन है, ये एक्चुअली डे टू डे लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डे टू डे लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है सर। तो ये कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या सर, आ रहा है कि नहीं, प्लीज टेल मी। अब आप ट्रेड डिटेल्स इन पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं सर एचडीएफसी का, ठीक है, हजारों एग्जांपल फॉर्म हो सकता है। अब इसी को कॉन्सेप्ट को समझते हुए, कीपिंग द अबव ट्रेड डिटेल्स इन पर्सपेक्टिव, लेट अस एट हाउ द मार्जिन एंड एमटीएम प्लेज अ रोल इन साइमल्टेनियस। अब मार्जिन और एमटीएम किस तरह से साइमल्टेनियसली काम करता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रेड। एक ट्रेड का लाइफ टाइम डिपेंड करता है ना, जैसे मानो हम लोग यहाँ पर ये वाला देखो, आप यहाँ पर अगर आप देखो कि हम लोग 10 तारीख को ट्रेड लिए थे एचडीएफसी बैंक का 10 दिसंबर 2014 का, ये ट्रेड खत्म हो रहा है 19 दिसंबर 2014 को, और आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से हर दिन का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। 10 दिसंबर मैंने परचेस किया था 9:38 में, क्लोज हुआ 9:40 में, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मार्क टू मार्केट देखो 325 का प्रॉफिट है। सिमिलरली नेक्स्ट दिन देखो 9:40 में क्लोज हो गए, 11 तारीख को 9:39 में क्लोज हुआ, तो मैंने सर 1% करके लॉस खाया, टोटल लॉट 250 का था, तो देखो 250 का लॉस हो गया।
12th दिसंबर को 930 का वैल्यू हो गया, मतलब 939 से 930, मतलब 9 टका पर शेयर में गिर गया, ड्रॉप हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरा मार्क टू मार्केट भी लॉस हो गया, दिखाई दे रहा है सर। लेकिन 15 दिसंबर को मार्केट 949 में बढ़ गया, अब देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट हो गया 4750 का। लेकिन मैंने टोटल पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाया सर, ये सारा का सारा खेल मेंटेन होते होते मेंटेन होते होते लास्ट में जाके ये मैटर आया। और जब कुल मिला के आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस माइनस करोगे ना, जितना प्रॉफिट और जितना नेगेटिव है उसको एडजस्ट करोगे, तो आपको अल्टीमेटली 4075 का प्रॉफिट दिखाई देगा। बिकॉज जो टोटल एम टू एम है आपको दिखाई दे रहा है ना सर, टोटल एम टू एम और प्रॉफिट अर्न 4075। तो बेसिकली आपने जमा किया था 29,000 समथिंग है ना इन आवर एग्जाम्पल, और आपने 4,000 का प्रॉफिट किया, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना सर। और यहाँ पर देखो सर, लॉट साइज 250 का है, स्पैन 7.5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, एक्सपोजर 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इनिशियल कैश ब्लॉक है 29,334, कैश रिलीज है 33,409 एंड डिफरेंस है 4,075। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कैश ब्लॉक और कैश रिलीज में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। लेकिन ये एक साथ काम कर रहा है एम टू एम और साथ में मार्जिन सर। अब आपको देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से 10 दिसंबर से पूरा खेल चालू हुआ है। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, लेकिन बस आपको अकाउंट्स का हिसाब समझना होगा जब भी आप ट्रेड लोगे। जब आप क्लाइंट का भी हिसाब रखोगे तो आपको अब इसी तरह से हिसाब रखना होगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में इक्विटी एडवाइजर का काम करेगा उनको ये सब हिसाब पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मोतीलाल ओसवाल में इतना ओपनिंग्स है जॉब का, ICICI डायरेक्ट में इतना डिमांड है, HDFC सिक्योरिटीज में, बजाज सिक्योरिटीज में, देर आर लॉट्स ऑफ ओपनिंग्स इन द मार्केट ना। कॉन्सेप्ट इज दैट आपको करना क्या होगा फिर, हाँ ये जो क्लाइंट आपको कॉल करेगा आपको समझाना होगा उनका क्या बैलेंस है क्या नहीं है, ठीक है, वही तो आपको बताना होता है कि भाई सर आपका ये सिचुएशन है अकाउंट का। अगर आपको यही नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे बताओगे उनको कि किस तरह से डे टू डे मार्केट में एम टू एम काम करता है, कैश बैलेंस कैसे काम करता है, कैश रिलीज क्या है, इनिशियल कैश ब्लॉक क्या है, एक्सपोजर क्या है, स्पैन क्या है, लॉट साइज क्या है, एम टू एम क्या है। हेलो, यस सर, ठीक है, वर्किंग नॉलेज है सर, वर्किंग नॉलेज, ठीक है, अपने लिए भी काम आ जाएगा क्लाइंट के लिए भी काम आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, 10th December 2014 समटाइम ड्यूरिंग द डे HDFC बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज आपने किया था किसी भी टाइम पे 938.7 पे, लॉट साइज था 250 का, ये हम लोगों ने एग्जांपल पहले ही सेट करके रखा, ये वाला एग्जांपल एग्जांपल है, इसी एग्जांपल पे काम कर रहे हैं सर, दिस इज आवर एग्जांपल, इसी एग्जांपल पे काम कर रहे हैं जो भी हम लोग दो मिनट पहले ही पढ़ के आया। अब देखो कि पूरा केस क्या हो रहा है, 10 तारीख से 19 तारीख तक पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है, अगर समझ जाओगे तो समझ लेना कि मार्केट में काम करने लायक आधा बन गए, ठीक है। जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो खुद का अमाउंट ट्रेडिंग करना चाहता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उनके लिए भी, ठीक है, वर्किंग नॉलेज सभी को काम देता है सर। तो समटाइम्स ड्यूरिंग द डे HDFC बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस आपने किया 938.7 पे, लॉट साइज था 250, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया था 234675, एज वी कैन सी फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट, स्पैन इज 7.5%, हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि स्पैन 7.5% है और एक्सपोजर 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो है 12.5% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपका मार्जिन है जिसमें स्पैन भी है और एक्सपोजर भी है। दिस वर्क अप टू टोटल मार्जिन कितना हो गया 29,334। इनिशियल मार्जिन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनिशियल कैश ब्लॉक, जो आपका इनिशियल मार्जिन होगा उसको इनिशियल ब्लॉक भी कहा जाता है कि भाई इतना मार्जिन आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। इनिशियल मार्जिन का मतलब होता है इनिशियल ब्लॉक, जिसका मतलब है कि आपका इनिशियल मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर टेबल के अंदर आपको दिखाई दिया था ये वाला, हेलो 29,334 दिखाई दे रहा है ना सर, इनिशियल कैश ब्लॉक, प्लीज टेल मी। यस सर, ठीक है, अब यही जो ब्लॉक अमाउंट है इसी के बारे में बताया जा रहा है। इनिशियल मार्जिन मतलब इनिशियल कैश ब्लॉक, इतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस जो था वो ब्लॉक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग अहेड HDFC क्लोजेस 940 नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब उसी दिन 10 तारीख को ही 940 में क्लोज हुआ 3:30 बजे। CB मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब चेंज हो जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बेस करके आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी बदल जाते हैं। इतना दिन से आपका 10 तारीख के शुरू में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 234675, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया 235,000। सर ऐसे तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हर मिनट में जैसे प्राइस चेंज हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा नज़र डालो
यहाँ पर जिस तरह से मार्केट दो दो मिनट में चेंज हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी तो चेंज हो रहा है। हेलो, ये सर नो, यस सर, है ना। ये देखो सर, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालोगे, ये देखो अभी 0.998 चेंज हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगा, हर मिनट में हर सेकंड में चेंज होता है। ठीक है, तो एंड एंड ऑफ द डे में आपको और सुविधा होगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे में आपका शेयर 938 से बढ़ के 940 में क्लोज हुआ। तो अभी आपका देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट 29334 था, लेकिन 12.5% के हिसाब से चले तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 29375 हो गया नेक्स्ट डे, मतलब उसी दिन के एंड पे। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे डिपेंड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, 2,34,675 उसका 12.5%, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 2,35%, 35,000 उसका 12.5%। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आपका मार्जिन इंक्रीज हो गया 41 कंपेयर टू मार्जिन रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम ऑफ द ट्रेड इनिशिएशन। तो क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फ्यूज दिस मनी इनटू हिज अकाउंट। अब ये पैसा क्लाइंट को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एज ही सफिशियंटली कवर्ड M2M प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में मिल जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा हुआ उसका, वो प्रॉफिट में 325 मिल जाएगा, विच विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायरमेंट उसने जो प्रॉफिट किया 325 का, वहां से एडजस्ट कर लेगा। बात समझ में आया? यस सर। टोटल कैश बैलेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट कितना हो गया? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत में कैश बैलेंस था 29334, अभी आप 325 का प्रॉफिट किए तो आपका बैलेंस हो गया 29659। रोशनी बुझा जाच्छे? प्रिया को समझ में आ रहा है? प्रिया बोल। यस सर। अब आगे देखो सर, क्लियरली द कैश बैलेंस इज मोर देन द टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर कैश बैलेंस जो है, ये मोर देन द टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ द रुपीज 29375, हेंस देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द रेफरेंस रेट इज इन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे M2M इज नाउ सेट 940, नेक्स्ट दिन M2M का जो रेट है वो 940 सेट हो गया, बिकॉज लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस। अब 11 को क्या होगा, 11th दिसंबर को, नेक्स्ट डे HDFC ड्रॉप बाई 1, 940 से दाम कम होकर 939 हो गया पर शेयर। yes. आपका 250 का लॉट था, तो फिर 1% करके लॉस है, मतलब 250 शेयर में 250 का लॉस, तो फिर आपका कैश बैलेंस कम होके 29659 से 250 का कम हो जाएगा। तो आपका बैलेंस देखो 29659 से हटके 29409 हो गया, बिकॉज आपने 250 का लॉस किया। सिमिलरली 12 तारीख को चलो, अब आपका M2M हो गया 939। अब 12 तारीख को फिर से मार्केट 9% में गिर गया। अब मार्केट जैसे 9% में गिर गया, ठीक है, अब आपको लॉस हो गया। अब आपका क्या हो गया, ये बैलेंस बैलेंस हो गया, कैश बैलेंस ड्रॉप हो गया सर 27159 पे, मतलब 29409 माइनस 2250। अब 2250 कहाँ से आया, 2250 कहाँ से आया, M2M लॉस इतना आपने कर दिया, 250 इंटू 9, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आपका डे टू डे मार्केट में कैश बैलेंस भी चेंज हो रहा। ठीक है, रिमेंबर बिटवीन स्पैन एंड एक्सपोजर मार्जिन द मोस्ट सैक्रेड वन इज स्पैन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पैन। मोस्ट ब्रोकर अलाउ यू टू कंटिन्यू, मतलब सैक्रेड इसीलिए बिकॉज स्पैन रहने से ही आप ट्रेड ले सकते हो। मोस्ट ब्रोकर अलाउ यू टू कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजिशन एज लॉन्ग एज यू हैव स्पैन मार्जिन। अगर आपके अकाउंट में स्पैन है तो फिर आपको ट्रेड, मतलब अकाउंट में ट्रेड लेने पे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये मेंटेनेंस मार्जिन भी है। द मोमेंट कैश बैलेंस फॉल्स बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, अगर कभी भी आपका कैश बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता है, ठीक है, बिलो द मेंटेनेंस, दे विल कॉल यू आस्किंग यू टू पंप इन योर मोर मनी। अगर अगर मार्केट में आपका पैन मार्जिन कैश बैलेंस से कम हो जाएगा, ठीक है, कैश बैलेंस से अगर कम हो जाएगा, तब आपको बोलेगा कि भाई अकाउंट में पैसा जमा करे, नहीं तो ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते और पेनल्टी भी चार्ज हो जाएगा। सो दे विल कॉल यू आस्किंग यू टू पंप इन मोर मनी, इन दिस एब्सेंस ऑफ विच दे विल फोर्स क्लोज टू पोजिशन देमसेल्व्स। अगर आप नहीं देते हो तो वो पोजिशन क्लोज कर देगा, लॉस में ही कर देगा। दिस कॉल दैट ब्रोकर मेक्स रिक्वेस्टिंग यू टू पंप इन द रिक्वायर्ड मार्जिन मनी इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड मार्जिन कॉल। अब ये जो ब्रोकर आपको पैसा जमा करने बोल रहा था ना, क्योंकि आपका स्पैन मार्जिन से बैलेंस नीचे हो गया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। ये जो ब्रोकर आपको फोन करके बताएगा ना, ठीक है, क्लाइंट को कि भाई पैसा जमा कीजिए क्योंकि आपका कैश बैलेंस स्पैन मार्जिन से भी कम हो गया है, ठीक है, तो इसको मार्जिन कॉल बोलते हैं। इफ यू आर गेटिंग अ मार्जिन कॉल फ्रॉम योर ब्रोकर, इट मीन्स योर कैश बैलेंस इज डेंजरसली लो टू कंटिन्यू दिस पोजीशंस।
आपके पास इतना बैलेंस नहीं है कि आप अपना पोजीशन को कंटिन्यू रखें। सिमिलरली अगर इसी एग्जांपल में चलते रहें, गोइंग बैक टू द एग्जांपल, द कैश बैलेंस कितना हो गया अभी हमारा, मार्केट नॉट अगर 930 पे आ गया 940 से, ठीक है 27159 इज अबव दिस स्पैन मार्जिन, हमारा स्पैन मार्जिन कितना है 17438, याद है ना सर? ये सभी डेटा आपको दो मिनट बाद मैं फिर से यहाँ पर दिखा दूंगा, ये जो डेटा हम लोगों ने देखा था इसमें देख सकते हैं आप स्पैन मार्जिन कितना है आपका, ठीक है 11 तारीख के एंड पे आपका स्पैन मार्जिन देखिए 17606, 17438, 17794, मैक्सिमम स्पैन मार्जिन ही 17906। तो सर हमारे पास अभी भी बैलेंस कितना है 27159 ना, स्टिल हैव दिस मनी इन आवर हैंड, कैश बैलेंस हमारा इतना दिख रहा है और हमारा स्पैन मार्जिन है 17438। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, हम लोग आराम से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और ब्रोकर भी हमें फ़ोन करके क्लाइंट को ये नहीं बोलेगा कि भाई बैलेंस भरो। अब M2M लॉस इज डेबिटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट एंड देयरफॉर रेफरेंस रेट फॉर द नेक्स्ट डे इज 930। अब रेफरेंस रेट नेक्स्ट दिन का क्या हो जाएगा, लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस दिया जाता है 930। वेल आई होप यू गॉट अ सेंस ऑफ हाउ बोथ मार्जिन एंड M2M कम इनटू अ प्ले साइमल्टेनियसली। I also hope you can appreciate how under the margins and M2M, exchange can effectively tackle a possible default threat. है ना? अगर आप default भी करते हो तो exchange किस तरह से उसको manage करेगा, आपके account से उसको maintain करेगा। तो margin plus M2M combination is virtually a foolproof method to ensure default don't occur. आपका जो margin है और जो M2M है आपका daily mark to market का जो profit and loss है, इस दोनों मिला के ये ensure करता है कि client default कर ही नहीं सकता। अगर करेगा मतलब करेगा तो बैलेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। डिफॉल्ट करेगा तो अगले का सेलर का प्रॉब्लम हो जाएगा या बायर का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, मतलब काउंटर पार्टी प्रॉब्लम हो जाएगा जो हमारा फॉरवर्ड मार्केट में प्रॉब्लम था। अज्यूमिंग यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ डायनामिक ऑफ मार्जिन एंड M2M कैलकुलेशन, आई विल नाउ टेक द लिबर्टी टू कट थ्रू द रिमेनिंग डेज एंड प्रोसीड डायरेक्टली विद द लास्ट डे ऑफ ट्रेड। अब चलो सर 19 दिसंबर लास्ट डे में क्या हालत होता है आप लोग देख लो एक बार, आपका पूरा खेल या पिक्चर क्लियर हो जाए। 19 दिसंबर को मार्केट दिखा रहा है 955 करके, 955। The trader decide to cash out the square of the trade. The reference rate M2M of the last day का closing था 938. So 938 मतलब 19 तारीख से पहले वाला डेट। कैसे पता चला? 19 तारीख से पहले वाला डेट मतलब 18 तारीख को, ये देखे सर 18 दिसंबर को कितना प्राइस चल रहा है प्रिया रोशनी बोलो, 938 ना, ये 18 तारीख को 19 को 955 955 है ना, तो फिर आपने 18 19 के बीच में कितना प्रॉफिट कर लिया पर शेयर सर, माइनस करने से? यस सर, माइनस करने से बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। अब देखो माइनस करके देखो कितना होता है और उसको इंटू कर दो 250 शेयर पे, तो आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट हो रहा है 4250 विच गेट्स एडेड टू द प्रीवियसली डे कैश बैलेंस के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपका फाइनल बैलेंस क्या दिखेगा जानते हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग था आपका कैश बैलेंस 29159 और ये 4250 ऐड करने के बाद हो गया 33409, ठीक है। ये जो अमाउंट है द फाइनल कैश बैलेंस विल बी रिलीज बाय द ब्रोकर एज सून एज द ट्रेडर स्क्वायर ऑफ द ट्रेड, जैसे ही वो स्क्वायर ऑफ करेगा ये अमाउंट रिलीज कर देगा, ठीक है। कौन करेगा? ब्रोकर करेगा। सो आपके पास What about the overall PL of the trade? Well, there are many way to calculate. आप profit and loss कितना सारा तरीके से calculate कर सकते हो देखो। What about overall profit and loss? Well, there are many way to calculate. Method one, sum up all the M2M. सारा का सारा M2M को add less करो। पहला दिन 325 का, 10th December को 325 का profit. 2nd December को 250 का, 2nd दिसंबर को 250 का लॉस, फिर 2250 का लॉस, फिर 4750 का प्रॉफिट, फिर 4000 का लॉस, फिर 2000 का लॉस, फिर 3250 का प्रॉफिट, फिर 4250 का प्रॉफिट, सब एड लेस कर दोगे ना तो 4075 का प्रॉफिट हो जाएगा। मेथड टू और एक है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनल कैश बैलेंस जितना दिखा रहा है, ठीक है, ये ब्रोकर रिलीज करेगा और जो अमाउंट आपने ब्लॉक किया था इनिशियली उसको माइनस कर दो, मतलब 33409 और आपने जितना ब्लॉक किया था 29334। ऐसा ही हुआ था ना सर, जब आपने ट्रेड लिया था HDFC बैंक पे 10 दिसंबर को तो आपने कितना अमाउंट ब्लॉक किया था?
इनिशियल मार्जिन कितना लगाया था? मेंटेनेंस था उतना ही ब्लॉक किया था। यस 29,334 मतलब स्पैन एक्सपोजर मिला के, है ना? तो ये आपका ब्लॉक अमाउंट है। और आज के डेट में आपका कैश बैलेंस लास्ट डेट में कितना दिखा रहा है? इनिशियल कैश ब्लॉक 29 और कैश रिलीज कितना दिखा रहा है? लेटेस्ट वैल्यू 33,409। ठीक है, अब ये 33,409 क्या होता है? कैश रिलीज मतलब ये ब्लॉक के बाद, सुन लो, ब्रोकर आपको ये अमाउंट दे देगा, 33,000 रुपया आपको दे देगा, स्क्वायर ऑफ करके आपका पोजीशन क्लोज करके आपको दे देगा। रिलीज करना मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा होगा उसको दे देना। हाँ, मतलब 33,000 जो वैल्यू आपका बचा है कैश का, वो वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, और आपने जमा किया कितना किया था? 29,000। तो 33,000 से 29 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 33 से 29 चला जाएगा तो कितना बचेगा? प्रॉफिट कितना हो गया आपसे? 4,075 रुपीस। वही तो है। ठीक है, ये पैसा आपको ब्रोकर दे देगा बिकॉज आपके अकाउंट में लेटेस्ट कैश बैलेंस यही है और आपने जब इनिशियली जमा किया था तो इतना जमा किया, बस काम खत्म, पैसा हजम। ये भी एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। मेथड 3, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब सर, आपने पी एंड एल का मीनिंग क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, यस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब नेक्स्ट दिन जब आप मेथड 3 देखोगे, मतलब ये मेथड 3 कोई भी मेथड अपना सकते हो। आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना था और आपका इनिशियल कितना था? इनिशियल था 2,34,675 और फाइनल था 2,38,750। माइनस करके देखो 4,075 आ जाएगा। फाइनल मतलब फाइनल डे क्या प्राइस चल रहा था? 950 करके 55 करके 250 शेयर। और आप जब इनिशियल किए थे तब आपका शेयर का दाम था 938 करके 250 शेयर। सिंपल है। मेथड 4, इसमें भी आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर बाय एंड सेल प्राइस इनटू लॉट साइज। मतलब आपने बाय किया था 938.7 पे, लास्ट सेल किया आपने 955 में, तो जो डिफरेंस है 16.3 करके, टोटल कितना शेयर है 250 का, तो 4,075 का प्रॉफिट। एज यू कैन सी आइदर ऑफ विच वेज टू कैलकुलेट यू अराइव एट द सेम प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू। चाहे कोई भी मेथड अपनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आ ही जाएगा। और मैंने अभी आपको मार्जिन कॉल बोला था। मार्जिन कॉल मतलब जब भी आपका स्पैन मार्जिन से बैलेंस कम हो जाए, कैश बैलेंस, ब्रोकर कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि अकाउंट में पैसा जमा कीजिए, नहीं तो स्क्वायर ऑफ करके लॉस में ही छोड़ देंगे। ठीक है, ट्रेड में नहीं रह पाएंगे। तो एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ मार्जिन कॉल, जो ब्रोकर क्लाइंट को फोन करके बोलते हैं या फिर मैसेज करके जो भी हो कि भाई सर पैसा डालिए बिकॉज आपका स्पैन मार्जिन से बैलेंस कम हो जा रहा है। फॉर ए मोमेंट लेट अस अज्यूम द ट्रेड वाज नॉट क्लोज्ड ऑन 19 दिसंबर। मान लेते हैं कि 19 दिसंबर को ट्रेड क्लोज नहीं हुआ, इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, दैट इज 20 दिसंबर तक इसको लेके चला गया। लेट अस अज्यूम एचडीएफसी बैंक ड्रॉप्ड हेवीली 20 दिसंबर, बहुत जोर से गिर गया, 955 से छोड़ो 880 में जाके रुका, 8% में ड्रॉप हुआ। हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है, 955 से 880 में जाके रुका, कई बार ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल का प्रेशर आ जाता है, मार्केट गिर जाता है, कोरोना, इंटरनेशनल वॉर, बहुत रीजन हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इनफैक्ट यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने कुछ सवाल आता है, अब आपके सामने आएगा सर तो फिर अगर 880 में आ जाएगा तो मार्क टू मार्केट क्या होगा 20 दिसंबर को, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन कैश बैलेंस, व्हाट इज द स्पैन एंड एक्सपोजर मार्जिन रिक्वायर्ड एंड व्हाट एक्शन डज द ब्रोकर टेक, और ब्रोकर को क्या करना चाहिए। ठीक है, एज एन एडवाइजर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के हिसाब से आप क्या करोगे अपने क्लाइंट के लिए। अब इसको आपको खुद से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सर आप मुझे बताओ, 955 से अगर 880 में शेयर का दाम नीचे जाएगा, जितने का डिफरेंस इसको 250 के साथ इंटू करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना लॉस हुआ है। 18,750 19 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको लॉस हुआ है। आपका 19 दिसंबर को बैलेंस था 33,409, लेकिन जैसे ही आपका लॉस हो गया, मार्क टू मार्क लॉस वुड बी डिडक्टेड और आपका बैलेंस 33,409 से 18,750 को माइनस करो तो आपका बैलेंस हो जाएगा 14,659, 14,659। लेकिन सर यहाँ पर एक खेल हो गया, क्या खेल हो गया बोलो तो? आपका कैश बैलेंस हो गया 14,659, लेकिन आपका स्पैन जरूरत था 17,000 कम से कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यही खेल हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पैन कैसे पता चलेगा,
अब आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है वो देखो सर, 250 शेयर को 880 करके इंटू करो तो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 2,20,000 का, इसका 7.5% करो 16,500। इतना स्पैन आपके बैलेंस में होना चाहिए ट्रेड बैलेंस पे, जो एज पर एक्सचेंज है, एज पर NSE BSE मैंडेट है। और आपका एक्सपोजर मार्जिन है 11,000 का और टोटल मार्जिन चाहिए आपको 27,500 का, ठीक है? तो स्पैन और एक्सपोजर मिला के 27,500। लेकिन सर आपका स्पैन का वैल्यू कितना है 16,500, आपका कैश बैलेंस कितना है 14,659। तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको कॉल करके बोलेगा ना सर पैसा भरो, बिकॉज आपका बैलेंस, आपका कैश बैलेंस पैन मार्जिन से भी कम हो गया। सर इसको ही मार्जिन कॉल बोलेगा ना, इसी को ही मार्जिन कॉल कहा जाता है। मतलब ब्रोकर क्लाइंट को फोन करेगा और पैसा जमा करने के लिए बोलेगा, अगर नहीं करता है तो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करके उसको सेल या बाई जो भी करना है उसको कंप्लीट करके सिचुएशन को कंप्लीट कर देगा। और उसमें जो भी है ब्रोकर को अगर लॉस भी हो जाता है, ठीक है, क्लाइंट को अगर लॉस भी हो जाता है तो होगा। मतलब क्लाइंट एक मार्जिन वैल्यू डिपॉजिट के टाइम पे डाल देगा, उसके बाद भी लॉस हो सकता है। हाँ सर, अगर शेयर अप एंड डाउन होगा तो तब भी मार्जिन कॉल होगा ना। यस, तभी मार्जिन, जब मार्जिन कॉल तभी करेगा, लॉस से हुआ पूरा लॉस ही लॉस। हाँ, जब स्पैन मार्जिन से भी आपका कैश बैलेंस कम हो जाए। यस सर, वही। और तब भी अगर क्लाइंट पैसा जमा नहीं करता है, ठीक है, तब ब्रोकर क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ करके आपका पोजीशन क्लोज करके आपको, इसलिए कंपनी के ऊपर अच्छे से जांच करके ये सब करना होता है ना। यस सर, तभी, ठीक है, नहीं तो मार्केट के बारे में आता ही रहेगा। हाँ ठीक है, और तभी आपको हमेशा ये सब टेक्निकल एनालिसिस क्लास में मैं सिखाता हूँ सर कि किस तरह से ये स्टॉक अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो लेटेस्ट में अगर यहाँ तक है, नेक्स्ट दिन के क्या होगा हालत, ठीक है, आज क्या हो सकता है, ये सब कैंडलस्टिक्स पढ़ के टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आता है कि अगला दिन क्या हो सकता है, ठीक है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज के साथ साथ भी आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कल क्या होगा, कि 19 तारीख को ही मार्केट क्लोज करके निकल जाना चाहिए था या फिर 20 तारीख तक रहना चाहिए था या 15 तारीख को ही सेल कर देना चाहिए था। ये सभी नॉलेज मिलता है कैंडलस्टिक्स के नॉलेज के साथ, जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है सर। जो लोग मार्केट को रीड करना चाहता है या जानता है वो ये सब रीड करके मार्केट में हमेशा अपना पोजीशन बना रखता है, लॉस से बच सकता है और प्रॉफिट करके निकल सकता है, सभी चीजों का तोड़ है सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्जिन कैलकुलेटर में और आगे बात करूंगा कि किस तरह से मार्जिन कैलकुलेट करना चाहिए और इसके रिगार्डिंग क्या मार्जिन कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट है इन आवर डिफरेंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लाइक मोतीलाल, लाइक जीरोधा, सभी का एक ही है कॉन्सेप्ट, बस जिसका जैसा कैलकुलेटर का टेक्निक है, बट कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल, ठीक है, चाहे किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे निफ्टी फ्यूचर, फ्यूचर प्राइसिंग, हेजिंग एंड फ्यूचर, ये सब आगे की बात भी करेंगे। फ्यूचर समझ जाएंगे ना सर, जैसे अगर हम NISM का सिलेबस एक बार चेक करें तो हम लोग अभी मेनली फोकस किया है सर फ्यूचर मार्केट में। जैसे फ्यूचर हो जाएगा फिर मैं आपको फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में आपको करा दे रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, इसके बाद मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस खत्म हो जाता है तो इक्विटी डेरिवेटिव में आपको कौन रोकता है सर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बस कुछ टेक्निकल कुछ एरिया है जो NISM में आता है, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम तो मैं अभी से आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, इंडेक्स वगैरह, हाँ ये सब तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। डेली न्यूज़पेपर ट्रैक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में ये भी आपको मैं ऑलरेडी बताते हुए चल रहा हूँ, बस एक इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स बताऊंगा, ठीक है, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ सेबी का रूल्स रेगुलेशंस है या अकाउंटिंग टैक्सेशंस का कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, प्रॉफिट करने से क्या सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी जिसमें सेबी का कुछ रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अगला अभी चलेगा सर, अभी एक डेढ़ महीना दो महीना तो समय लगेगा, लेकिन हम लोग कंप्लीटली सीख लेंगे सर। ठीक है सर, आज इतना ही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू रोशनी, पूजा कैसे है?